हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर दो वीडियो डाली है, ओके आप देख सकते हैं। एक कंपनी है जिसने 10 साल में 20,000% के रिटर्न दिए हैं, और अगर बात करें 5 दिन में 11% के रिटर्न दिए हैं। कुछ न्यूज़ थी इससे रिलेटेड और शेयर काफ़ी टाइम से भाग रहा है, बट FISDIS की हिस्सेदारी कम होती हुई नज़र आ रही है। क्या फिर भी ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है? FISDIS कुछ खास है भी नहीं, तो क्या आपको ये ट्रैप तो नहीं है? तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, एज वेल एज एक ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड सारे कुछ मल्टीपल स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, पर बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज ये वीडियो होने वाली है दो ऐसे स्टॉक के रिलेटेड कि जो आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यह शेयर इस लेवल तक जा सकता है, और वो शेयर उस लेवल तक गया भी और उसके बाद उसमें गिरावट हुई नजर आई, बट हमारा टारगेट था वो एटलीस्ट अचीव होता हुआ नजर आया। तो आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है या क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा और कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें कि वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे दान दे सकते हैं, दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 पांच दिन से अगर देखें तो देखिए मार्केट गिर के फिर ऊपर जाती हुई नजर आई है। दो दिन से कंपनी मार्केट भाग रही है, अच्छी बात है, बट अगर हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न यहाँ पर निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हमें साफ नजर आता है कि मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है नीचे आती है। तो होता क्या है कि आप ये 300-400 पॉइंट यहाँ पर जोड़ता है, 14,800, 14,700, 14,900 के आसपास आता है, फिर उसके बाद एक ही दिन में 500-400 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो जाती है और मार्केट में अच्छे वाले स्टॉक्स होते हैं वो गिरते हुए नजर आते हैं। तो हो क्या रहा है ये मार्केट देखिए, या तो गिरावट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको गिरावट में अच्छे अच्छे स्टॉक चुनने की जरूरत है, या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत है यहाँ पर कि आपको जिस स्टॉक में आप ज़्यादा चल चुका है और आपका पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे रहा है उसे निकाल के दूसरी जगह पर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप एक गेम, एक सेफ गेम प्ले कर सकते हो और आपको अच्छे खासे ही स्टॉक वहाँ पर चुनने हैं, आपको बेकार स्टॉक नहीं चुनने। और इसके लिए देखिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है कैसे केवल 1 लाख रुपए के निवेश से आप 800 करोड़ रुपए मार्केट से कमा सकते हैं, ओके पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ओके इस वीडियो में आपको बताइए किस तरीके से करना है, और केवल ज्यादा नहीं 5-5% के हिसाब से आप मतलब अच्छे खासे मिलेनियर के लगभग मिलेनियर बन जाओगे, इस तरीके का पैसे आप करोड़पति बन जाओगे, इस तरीके का पैसा कमा सकते हो। तो मार्केट में देखिए यही चल रहा है। और बात करें FIIs की तो FIIs पिछले 7 दिनों में 7,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, डेली 1,000 करोड़ रुपये। देखिए आज का अपडेट नहीं हुआ है, कल का दिखा रहा हूँ। अगर बात करें देखिए DIIs यहाँ पर खरीदते नजर आ रहे हैं, FIIs बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जब FIIs खरीद रहे थे तो DIIs बेच रहे थे। देखिए इक्वलिटी वो पलटा भारी रहता है, बट स्टिल जब FIIs बेचना शुरू करते हैं ना तो मार्केट में गिरावट होती है। तो मार्केट में देखिए 2 दिन से रैली आ रही है, बट अगर हम यहाँ पर कुछ 6 महीने का चार्ट पैटर्न या बात करें कि अगर हम देखते हैं 3-4 महीने से, तो मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अच्छे तरीके से चल रही है, बट आपको पता ही है मार्केट को ऊपर ही जाना है एक दिन, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छे स्टॉक में चुन के रहिए। तो ऐसे ही दो फंडामेंटली स्टॉक शेयर मैं आपके पास लेके आया हूँ, और कोविड के केसेस भी देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दो शेयर मैं आपके पास लेके आऊँ, काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। अगर आप आज की कल की डेट में या आज की डेट में आपने खरीदा होगा, आपके पोर्टफोलियो में होंगे या आप खरीदने वाले होंगे, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें ना, ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखूंगा तो आपको बताना चाहता हूँ 3,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3,000 रुपये के 52 वीक का ही 3,062 का है, ओके। तो 3,062 रुपये से ये चलता चलता ये शेयर, ओके अभी कब 9th अप्रैल को ही आया था, उसके बाद गिरता हुआ नजर आया। इससे पहले भी देखिए मैंने आपको बताया था कि ये शेयर भागेगा, उसके बाद भागता हुआ नजर आया, उसके बाद गिरावट भी अच्छी खासी यहाँ पर नजर आई है। तो अभी फिर दोबारा आपको मौका मिल रहा है ये शेयर में इन्वेस्ट करने का, और ये शेयर आपको 2-4-5 दिन के अंदर अंदर अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। बाकी अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, मिड कैप कंपनी है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मिड कैप में क्या होता है कि गिरता भी तेज है और भागता भी तेज है, इसमें जो वॉलिटिलिटी दिख रही है वो आपको पचानी आनी चाहिए, बट
एक बड़े रेपुटेड ग्रुप के से इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए काफ़ी बेहतरीन नज़र शेयर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा शेयर देखते हैं तो दूसरा शेयर भी सेम इसी की तरह आपको पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, एक ही ग्रुप की कंपनी है। ये शेयर भी देखिए लगभग 4400 के आसपास, यहाँ पर 4500 रुपीज़ के आसपास 52 वीक हाई लगा के यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक महीने की तो देखिए अच्छा खासा भागा, फिर उसके बाद गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है इसमें। तो आपको अगर एक्यूमुलेट करना है 10% 11% की गिरावट है, आप खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, एज वेल एज शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए आएंगे। देखिए 700 रुपये का शेयर था 4 साल पहले, ओके ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इसकी, बट स्टिल अगर बात करें लंबा लॉन्ग टर्म आगे 4 साल में देखिए अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नजर आया है। तो कौन सी कंपनी है उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं 52 वीक लो और हाई आपको देख सकते हैं यहां पर। और बात करें डिलीवरी बेसिस पे लगभग 60% की डिलीवरी उठाई गई है आज की डेट में 132,000, क्यों? क्योंकि ये शेयर भागने वाला है। ऐसे ही सेम अगर बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की तो यहां पर भी देख सकते हैं 58% लगभग 90,000 शेयर यहां पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं क्योंकि शेयर भागने वाले हैं। अगर बात करें कौन से शेयर है तो देखिए बता देता हूं, पहला शेयर है LTTS। आप चाहिए गामा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो कुछ टेक्निकल से रिलेटेड बातें करनी है। LTTS देख लीजिए यहाँ पर, ये LTTS लगभग 2600 रुपए के आसपास चल रहा है और दूसरी जो कंपनी है दोनों एक ही भाई है छोटे बड़े, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, एक मिड कैप है एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर बात करें LTTS की ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड कंपनी देने जा रही है आपको 14 अप्रैल को, यहाँ पर इन्होंने बताया कि कंपनी मे कंसिडर, ओके मतलब कहा है तो मोस्टली देती हुई नजर आती है। तो इनके देखिए रिजल्ट आ रहे हैं थर्ड ऑफ मे को, जो कि मंडे को पड़ रहा है, मंडे को इनके रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट आने से पहले ये शेयर एक्यूमुलेट कर लीजिए, ये पैसा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए मिलेंगे और यहाँ पर आपका ये शेयर भागता हुआ मिलेगा। बाकी डिविडेंड कंपनी अच्छी खासे देती हुई हमें नजर आती है। इसके अलावा LTI की बात करें लार्सन टुब्रो इन्फोटेक की, तो सेम बिहेवियर देखिए अपडेट यहाँ पर सेम है कि डिविडेंड तो कंसिडर कर ही रहे हैं, ओके मे डिक्लेयर द रिकमेंड डिविडेंड, तो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा ही मुझे तो जो लगता है, बाकी यहाँ पर मे लग रहा है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और फोर्थ को मतलब अगले दिन ही मंगलवार को यहाँ पर इनके रिजल्ट मतलब नेक्स्ट वीक में आते हुए आपको नजर आएंगे, तो इस शेयर की तरफ भी नजर रखिएगा, यहाँ पर डिविडेंड देखिए उससे बेहतर मिलता है, बट इस अगर बात करें ये ज़्यादा रिटर्न देता हुआ मुझे लगता है, ये भागता बहुत तेज है क्योंकि मिड कैप स्टॉक है और ये है लार्ज कैप, तो ये दोनों कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। लार्सन एंड टुब्रो से टुब्रो इन्फोटेक ग्रुप से जुड़ी हुई है और एज वेल बात करें आईटी की दिग्गज कंपनी है। आईटी के देखिए एक दो अगर बात करूँ टाटा इलेक्सी से कंपेयर करता हूँ मैं LTTS को और LTI को मैं सीधे TCS से कंपेयर करता हूँ और दोनों ने ही टाटा ग्रुप की कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए थे, तो ये भी कंपनी मुझे लगता है कि अच्छे खासे रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। इसके बाद अगर बात कर रहे थे कुछ शार्ट पैटर्न की तो देखिए कल शायद ये शेयर अभी देखिए यहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी आ रही है तो शायद थोड़ा बहुत शेयर कंसोलिडेट करता हुआ या गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो यहाँ पर जब गिर जाए तो और बाय ऑन डिप्स करके आप खरीद सकते हैं। बाकी मुझे जो लगता है ये 2542 रुपये तक ये शेयर यहाँ पर नीचे आ सकता है 2550 रुपये तक, और इसके अपसाइड जाने के जो चांसेस है ना लगभग 3000 रुपये तक के यहाँ पर चांसेस है। और अगर बात करें 2600 से 2529 की भी बात करते हैं तो लगभग 300 रुपये का आपको अपसाइड मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि मंडे की डेट में ओके मंडे को जब इसके रिजल्ट आएंगे तो भागता हुआ नजर आएगा। बाकी RSI की भी बात करें 44 की RSI पे कंपनी चल रही है तो काफ़ी फेवरेबल है दूसरी आईटी कंपनी से। अगर बात करें दूसरी और चीजों की और आईटी ग्रुप में ऑलरेडी गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है जो कि आपको साफ चार्ट पैटर्न में भी दिखाई दे रहा है, यहां पर देख सकते हैं लगभग 4400 से ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अभी यहां पर दोबारा ये इसी रेंज में कंसोलिडेट, देखिए यहां पर कंसोलिडेट किया, यहां पर इसने एक रेंज यहां बनाई, इसके वेल एज बात करें यहां पर एक यहां से यहां रेंज बनाई और फिर यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही 3900 के आसपास का यहां पर रेंज नजर आ रही है मुझे, ओके यहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद यहां पर ट्यूसडे को जब इसके रिजल्ट है तो मुझे दोबारा लगता है कि ये शेयर 4300-4400 रुपीज तक लगभग 400-500 रुपए अपसाइड भागने की बिल्कुल कोशिश करेगा और भाग सकता है, और नहीं भी भागा तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1 से 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा इसे यहां पर आना ही है, तो आप लेके नहीं फंसोगे, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ओके मंडे ट्यूसडे को भाग गया तो अच्छा ही है और नहीं भी भागा तो और भी तो ये 1-2 महीने के अंदर अंदर भाग जाएगा और आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलेगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी कर लीजिए, मुझे मेरी स्टडी थी जो मैंने आपको बताना चाहा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।